हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों आज हम 50 प्रैक्टिस सेटों में से प्रैक्टिस सेट 9 लेकर के आए हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि आप इस 50 प्रैक्टिस सेट पढ़ने के बाद आपको 50 या 80-60% किसी तरह भी किसी भी एग्जाम में आप क्रैक करने की क्षमता रखेंगे। दोस्तों रहा बात और 40% का, तो हम अपने लाइव क्लासेस में आपको बताएंगे हैं। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 9 को, इसका क्वेश्चन और आंसर। दोस्तों पूछा है कलहन की रचना निम्न में से है। कलहन की रचना कौन सी है दोस्तों? तो कलहन की रचना निम्न में से हमारा है राजतरंगिणी का। दोस्तों फिर से एक बार, कलहन की रचना निम्न में से है, तो कौन सी है? राजतरंगिणी। कलहन की रचना राजतरंगिणी है, याद रखिएगा। जहां मधुमक्खियों को पाला और रखा जाता है उसे डैश कहते हैं। दोस्तों इसको सरल भाषा में बोले तो मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर, यानी कि एपियरी। एपियरी भी इसको आप लिख सकते हैं, एपियरी या एपिकल्चर। एपिकल्चर में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है और रखा जाता है। तो तीसरा नंबर देख लीजिए, शतरंज में वर्गों की संख्या डैश होती है। तो शतरंज में कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? तो शतरंज में हमारे 64 वर्ग होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। चार नंबर देख लीजिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आप तो जानते होंगे कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती है। ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए स्लाइड दोस्तों, गोवा की राजधानी कहाँ है? तो ये तो बच्चा जानता है दोस्तों, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप दोस्तों जितनी भी राज्य और राजधानी है आप इसको याद कर लीजिएगा। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी पणजी है, याद रखिएगा, पणजी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है? दोस्तों कौन सा पर्वत है जो नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा सतपुरा पर्वत श्रृंखला। सतपुरा पर्वत श्रृंखला ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, सतपुरा पर्वत। सात नंबर देख लीजिए दोस्तों, माउंट आबू स्थित है। माउंट आबू कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कहाँ है दोस्तों? ये राजस्थान में, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, पंजाब केसरी। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये हमारा महानदी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, महानदी। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन चुनता है दोस्तों? तो भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों तथा लोकसभा के सदस्यों दोनों, यानी कि सी इज द करेक्ट होगा यहाँ, ए और बी दोनों। राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य दोनों मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। लोहड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों लोहड़ी नृत्य कहाँ होता है ये आप देखिए, जितना भी नृत्य और कला साहित्य संस्कृत है ये आप इसको याद रखिएगा, कहाँ कौन सा त्यौहार होता है और नृत्य होता है। दोस्तों 12 नंबर का हो जाएगा हमारा, लोहड़ी नृत्य कहाँ का है? तो लोहड़ी नृत्य पंजाब का है, याद रखिएगा। अमजद अली खान संबंधित है, अमजद अली खान किस चीज़ से संबंधित है, यानी कि अमजद अली खान किस चीज़ के शौकीन थे या संबंधित है? तो दोस्तों यह हमारा सरोद से हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमजद अली खान सरोद से संबंधित है। भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन है? ये तो आप बच्चा जानता है कि भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री हमारा लाल बहादुर शास्त्री है। प्रथम पूछ दे तो कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 नंबर देख लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू। प्लेग रोग किससे फैलता है? प्लेग रोग किससे फैलता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, प्लेग रोग जो है ये चूहा से फैलता है और रेबीज जो है ये कुत्ता से फैलता है। तो आपको याद रखना चाहिए, प्लेग रोग चूहा से फैलता है और रेबीज अगर पूछ दे दोस्तों कुत्ता से, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से आसानी से
फूलना है। दोस्तों गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से आसानी से फूलना है। क्या है ऑप्शन, यह हो जाएगा नाखून की तुलना में सुई का गुब्बारे पर अधिक दाब पड़ता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, नाखून की तुलना में सुई का गुब्बारे पर अधिक दाब पड़ता है। हवा से फैलने वाला रोग है दोस्तों, हवा से फैलने वाला कौन सा रोग है, तो हवा से फैलने वाला रोग जो है हमारा, हवा से फैलने वाला रोग जो हमारे यहाँ हो जाएगा क्षय रोग। क्षय रोग जो है ये हवा से फैलने वाला रोग है। 19 नंबर देख लीजिए, ओजोन परत हमें किससे बचाती है, तो दोस्तों ओजोन परत किससे बचाती है, तो ओजोन परत हमें अल्ट्रा वायलेट किरणें से बचाती है, अल्ट्रा वायलेट किरणों से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20 नंबर देख लीजिए, चाप का भाप का इंजन का आविष्कार किसने किए, दोस्तों भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, जेम्स वाट। 21 नंबर देखिए, निम्न में कौन सी गैस जहरीली है, दोस्तों निम्न में कौन सी गैस जहरीली है, तो यह हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जहरीली है, जो हमारे बाइक और ये सब वाहनों से निकलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसको संक्षेप में कहते हैं। ये भी पूछता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का संक्षेप क्या है, तो CO। बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम डैश कहते हैं, बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, तो बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट करेंट। पदवीट का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है, तो दोस्तों पदवीट का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र में। बीट के यानी कि बाइट, BIT, बाइट का प्रयोग कंप्यूटर विज्ञान में किया जाता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश की स्रोत डैश है, पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश की स्रोत क्या है दोस्तों, तो यह हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, पृथ्वी पर प्रकाश की स्रोत डैश है। पृथ्वी पर यहाँ मिसमाइंड, हाँ पृथ्वी पर प्रकाश की स्रोत डैश क्या है दोस्तों, तो हमारा सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, सूर्य हो जाएगा। 25 नंबर देख लीजिए, समुद्र में ज्वर डैश के कारण आते हैं, दोस्तों समुद्र में ज्वर किसके कारण आते हैं, तो समुद्र में ज्वर जो आता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ऑप्शन बी यहाँ याद रखिएगा, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वर आता है। नब्ज या नारी नापने की क्रिया डॉक्टर द्वारा डैश का पता करने के लिए की जाती है, तो आपको बच्चा बच्चा जानता है कि जो नारी जो नब्ज है नापने की क्रिया डॉक्टर जो करते हैं हाथ पकड़ करके, वो क्या पता करते हैं दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन हृदय की गति को नापते हैं नारी को द्वारा। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अग्नाशय, इसको हम लोग पैनक्रियाज भी कहते हैं, अग्नाशय याद कर लीजिएगा, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण अग्नाशय में होता है, जिसको हम लोग पैनक्रियाज भी कहते हैं इंग्लिश में। ध्वनि किसमें गमन नहीं करती, दोस्तों ध्वनि किसमें गमन नहीं करती है, तो ध्वनि हमारी निर्वात में गमन नहीं करती, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, निर्वात। 29 नंबर देखिए, एड्स किसके द्वारा फैलता है, तो दोस्तों ये आप सभी जानते होंगे कि एड्स जो है विषाणु द्वारा फैलता है। 30 नंबर देखिए, भारत को मापने की इकाई क्या है, भाप को मापने की इकाई क्या है दोस्तों, तो भाप को मापने की इकाई है हमारा पाउंड, पाउंड जिसे कहते हैं पाउंड, भाप की मापने की इकाई पाउंड है। दोस्तों देखिए अब हमारा गणित क्या गया, भाग तीन में गणित है 31 से लेकर के 45 तक, आप इसको हम दिखा दे रहे हैं स्लाइड, बाकी हम इस गणित का जो है पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बोर्ड पे करा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, स्लाइड टू देख लीजिए, 35 से 42 और यह है 43 से 50 तक। आई होप आपने इसको समझा दोस्तों। देखिए 4 नंबर है रीजनिंग, अब रीजनिंग भी आर्मी में पूछने लगा है 5 नंबर का, आप इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों आपको अगर ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि चलो वहाँ आपको 50 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो आपको हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। थैंक यू, जय हिंद।